please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. उत्तर प्रदेश के गृह राज्य विभाग ने अखिलेश सरकार के दौरान लोगों के पलायन पर रिपोर्ट मांगी। उत्तर प्रदेश में कैराना लोकसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव से पहले राज्य के गृह विभाग ने अखिलेश सरकार के दौरान सांप्रदायिक दंगों की वजह से हुए पलायन पर अधिकारियों से रिपोर्ट तलब की। दिल्ली में बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की एक बैठक हुई जिसमें पीएम नरेंद्र मोदी समेत पार्टी के कई नेताओं ने हिस्सा लिया और बैठक के बाद कर्नाटक के लिए 72 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की जिनमें शामिल येदियुरप्पा शिकारीपुरा से चुनाव लड़ेंगे। गुजरात के सूरत में केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक आदमी ने दलितों पर अत्याचार का आरोप लगाते हुए उन्हें काला झंडा दिखाया और उनके खिलाफ नारेबाजी की। दिल्ली के पास नोएडा के सेक्टर 54 में बनाए कूड़ा फेंकने के लिए तैयार किए जा रहे ग्राउंड के विरोध में सैकड़ों लोगों ने धरना दिया। बिहार के पटना साहिब में सैकड़ों लोगों ने वहां के सांसद शत्रुघ्न सिन्हा के खिलाफ बुद्धा कॉलोनी थाने में लापता होने की शिकायत की और पुलिस से उन्हें खोजने की गुजारिश की। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में एक विवाहिता की संदिग्ध हालत में मौत हो गई, जिसके बाद उसके परिवार वालों ने ससुराल पक्ष पर ही उसकी हत्या का आरोप लगाया। मध्य प्रदेश के जबलपुर में बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में गड्ढे में गिरने से घायल हुए बाघ का सफल ऑपरेशन किया गया। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में वन विभाग के अधिकारियों और गाँव वालों ने कई फीट लंबे मगरमच्छ को पकड़ने का दावा किया जिसने अब तक कई जानवरों और आदमियों पर हमला किया है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने फर्जी पत्रकार और पुलिस अधिकारी बनकर ब्लैकमेल करने वाले गिरोह के 5 सदस्यों को पकड़ा। मध्य प्रदेश के जबलपुर में हनुमान ताल थाना इलाके में कुएं में शव मिलने से दहशत मच गई, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में ले लिया। बिहार में जारी सियासी घमासान के बीच लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की और दावा किया कि बिहार में एनडीए पूरी तरह एकजुट है। राजस्थान के कोटपुतली में दो गुटों के बीच जमकर मारपीट और फायरिंग हुई जिसमें दो लोग गोली लगने से घायल हो गए। बिहार की राजधानी पटना पहुंचे कांग्रेस प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल से बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने सदाकत आश्रम में मुलाकात की, हालांकि इसे उन्होंने औपचारिक मुलाकात बताया। तपती हुई गर्मी के बीच दिल्ली एनसीआर में बारिश की हल्की फुहारें लोगों के लिए राहत बनकर आई। दिल्ली में आज सुबह बूंदाबांदी से मौसम सुहावना हो गया। बारिश की दस्तक से तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई। वेस्टर्न डिस्टरबेंस की वजह से दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में बारिश हो रही है। इस वक्त मैं दिल्ली के आउटर रिंग रोड पर हूँ और आप तस्वीरें देख सकते हैं कि यहाँ पर भी बारिश हो रही है। दिल्ली के तापमान में गिरावट भी दर्ज किया गया है, ऐसा मौसम विभाग का कहना है। जहां शुक्रवार को जो टेम्परेचर था दिल्ली का वो 36 डिग्री के आसपास था, तो वहीं सोमवार को यानी आज जो है टेम्परेचर 24 डिग्री के आसपास है। मौसम विभाग की माने तो आने वाले दो दिनों तक दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में बारिश हो सकती है और इसके साथ साथ तापमान में गिरावट भी दर्ज की जा सकती है। तो वहीं जो पहाड़ी इलाके हैं, पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी हो सकती है। और आप देख सकते हैं कि इस वक्त सुबह का समय है और यहाँ पर आउटर रिंग रोड पे जो लोग अपने घरों से दफ्तर की तरफ जा रहे हैं वो काफी एंजॉय कर रहे हैं। यहाँ पर एक मुसाफिर है, सीधे इनसे हम बात करते हैं। ये बताइए, दिल्ली में बारिश हो रही है अभी और बारिश में भीग कर आप जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं आप? जी ठीक, अपने ऑफिस जा रहे हैं तो एंजॉय कर रहे हैं इस बारिश को? हाँ एंजॉय कर रहे हैं, तभी तो जा रहे हैं भीगते हुए, भीगते हुए जा रहे हैं। अच्छा, कहाँ रहते हैं आप, कहाँ आपके दफ्तर है? ये बीकाजी कामा पैलेस। तो यहाँ से बीकाजी कामा पैलेस 2 किलोमीटर के आसपास है? हम आते हैं तुगलकाबाद से। अच्छा, मैंने काफ़ी सुबह सुबह 8-10 किलोमीटर का साइकिल चला लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि लोग किस तरीके से एंजॉय कर रहे हैं इस बारिश को। हालांकि मौसम विभाग का ये साफ साफ कहना है कि आने वाले दो दिनों तक अभी बारिश होने की संभावना है, तो निश्चित तौर पर तापमान में भी गिरावट दर्ज की जाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट प्रदीप के साथ अमित कुमार सिंह, न्यूज 18 इंडिया, दिल्ली। उत्तर प्रदेश के फैजाबाद में बड़ी तादाद में लोग इकट्ठा होकर प्रदर्शन करते दिखे। बताया जा रहा है कि एक स्कूल प्रबंधक के भाई ने नाबालिग छात्रा के साथ अश्लील वीडियो बनाकर वायरल कर दिया, जिसके बाद खपा लोग सड़क पर उतर आए और हंगामा करने लगे। इलाके में बढ़ते तनाव को देखते हुए पीएसी तैनात करनी पड़ी। इस वीडियो में दिख रहा शख्स उस स्कूल के प्रबंधक का भाई है जिसमें छात्रा पढ़ती है। वीडियो वायरल होने के बाद मामले ने तूल पकड़ लिया, जिसकी जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों को शांत करवाने की कोशिश करने लगी। आपत्तिजनक स्थिति में उन्होंने वीडियो बना करके उसे वायरल किया, समाज में उन्होंने बदनाम करने की कोशिश की, लेकिन खफा लोगों की भीड़ आरोपी को गिरफ्तार करने की मांग पर अड़ गई। जनपद फैजाबाद में एक स्कूल का MMS लीक हुआ था और उस पर जो है पुलिस ने संज्ञान लेते हुए अपनी तरफ से मुकदमा दर्ज कर लिया है।
और सख्त धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया। फिलहाल पुलिस ने स्कूल प्रबंधक और उसके आरोपी भाई को गिरफ्तार कर लिया और स्कूल को बंद कर दिया। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने दावा किया कि 2019 में एकजुट विपक्ष के सामने मोदी खुद अपनी वाराणसी सीट भी नहीं बचा पाएंगे। राहुल गांधी ने विपक्ष के एकजुट रहने पर 2019 में बीजेपी की हार लगभग तय बताई। बेंगलुरु में पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष ने विपक्ष की एकता पर अपना भरोसा जताते हुए कहा कि अगर बीजेपी के खिलाफ एसपी बीएसपी एकजुट हो गई तो मोदी अपनी वाराणसी सीट भी हार सकते हैं। राहुल गांधी ने दावा किया कि विपक्षी एकता खास स्तर तक हो जाए तो बीजेपी के लिए चुनाव जीतना असंभव हो जाएगा। राहुल गांधी के मुताबिक विपक्षी एकजुटता एक बिंदु तक अभी पहुंची है। इससे पहले राहुल गांधी ने बेंगलुरु में एक रैली के दौरान पीएम मोदी पर जमकर हमला बोला। मोदी जी जहां भी जाते हैं आपको अपनी मन की बात बताते हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी आपकी मन की बात सुनेगी और जो आपके मन में होगा उसके बल पर हम सरकार चलाएंगे। राजस्थान के बीकानेर में जमीन खरीद मामले में सीबीआई ने जांच शुरू की। राजस्थान के बीकानेर में जमीन के खरीद फरोख्त से जुड़े 18 मामलों की सीबीआई ने जांच शुरू की और इनसे जुड़े तहसीलदार समेत 8 लोगों को पूछताछ के लिए दिल्ली बुलाया। बिहार के मुंगेर में जेल में तैनात एक जवान को अज्ञात अपराधियों ने गोली मार दी, जिसके बाद उसे इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। मध्य प्रदेश के भिंड में एससी एसटी एक्ट में बदलाव के विरोध में हिंसा हुई, जिसके बाद पुलिस ने कुछ लोगों के हथियारों के लाइसेंस रद्द कर दिए। उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में अरैल इलाके में यमुना नदी में एयरफोर्स के 4 जवान नहाते वक्त डूब गए, जिनमें एक की मौत हो गई जबकि 2 को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। जम्मू कश्मीर में श्रीनगर समेत कई इलाकों में भारी बारिश हुई, जबकि कई इलाकों में बारिश की वजह से जमीन खिसकने की घटनाएं भी हुई। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में शादी से जुड़े विवाद को सुलझाने दूल्हे के घर पहुंचे लड़की वालों पर फायरिंग करने का आरोप लगा, जिसके बाद 8 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। बिहार के सहरसा में जिला प्रशासन ने छापेमारी के दौरान पकड़ी गई करीब 3000 लीटर शराब नष्ट की। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में एक महिला ने एसपी से लिखित शिकायत में बीजेपी नेता प्रकाश बजाज पर धोखाधड़ी समेत कई आरोप लगाए। उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में बेकाबू ट्रक और टेम्पो की टक्कर में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 6 लोग घायल बताए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में पुलिस के जनसंवाद कार्यक्रम में एक लड़की ने आईजी और डीआईजी समेत पुलिस के आला अधिकारियों से मनचलों के छेड़छाड़ की शिकायत की। उत्तर प्रदेश के मेरठ में पुलिस पर भारत बंद के दौरान हुई हिंसा के बाद 2 अप्रैल को दलित समाज के बजाय दूसरे समाज के एक आदमी को गिरफ्तार करने का आरोप लगा। पंजाब के लुधियाना में एक होटल के मैनेजिंग डायरेक्टर पर रेप का आरोप लगा, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। उत्तर प्रदेश के संभल में एक बच्चे का कटा हुआ सिर मिलने से सनसनी फैल गई। हालांकि इससे पहले 1 अप्रैल को एक महिला का कटा हुआ सिर मिला था, जिसकी वजह से पुलिस इन दोनों वारदातों को हत्या के एक मामले से जोड़कर देख रही है। मध्य प्रदेश के भिंड में एक पेड़ के चारों ओर चबूतरे पर बैठे लोग बंदूक थामे नजर आए। ये लोग एससी एसटी एक्ट पर बने तनाव के बाद जारी प्रशासन के आदेश पर अपने हथियार जमा कराने वहां पहुंचे थे, जिसके बाद पुलिस थाने के बाहर लोगों की भारी भीड़ जुट गई। पुलिस प्रशासन की ओर से निजी हथियारों के लाइसेंस सस्पेंड किए जाने के बाद ये सभी लोग अपनी बंदूकें और पिस्तौल जमा कराने थाने पहुंच गए। हालांकि इसके लिए उन्हें घंटों इंतजार करना पड़ा। मध्य प्रदेश में एससी एसटी एक्ट के मुद्दे पर हुई हिंसा के बाद तनाव का माहौल बना हुआ है। ऐसे में 10 अप्रैल को बुलाए गए बंद और 14 अप्रैल को आम्बेडकर जयंती से पहले प्रशासन ने एहतियात के तौर पर कई कदम उठाए हैं। मध्य प्रदेश के भिंड में रविवार रात से बंद इंटरनेट सेवाएं 10 अप्रैल तक बंद रहेंगी। 10 और 14 अप्रैल को कर्फ्यू लगाने का फैसला किया गया। भिंड में अर्धसैनिक बल की 6 कंपनियां तैनात की गई। बिहार के पटना साहिब में हजारों की संख्या में लोग अपने सांसद शत्रुघ्न सिन्हा की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराने पहुंच गए। बुद्ध कॉलोनी थाने पहुंचकर लोग अपने सांसद की गुमशुदगी की जानकारी उन्होंने दी और लोगों ने अपने गुमशुदा सांसद शत्रुघ्न सिन्हा को ढूंढने की गुहार भी लगाई। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में एक पुलिस स्टेशन में एक लड़की आत्महत्या करने की कोशिश करती नजर आई। बताया जा रहा है कि इस लड़की ने उन्नाव के बांगरमऊ सीट से बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर पर रेप का आरोप लगाया, लेकिन मामले को 1 साल से ज्यादा का वक्त बीत जाने के बाद भी जब आरोपी विधायक की गिरफ्तारी नहीं हुई तो लड़की लखनऊ में मुख्यमंत्री के आवास पर पहुंच गई। दावा है कि इस दौरान लड़की ने आत्महत्या की कोशिश भी की, जिसके बाद पुलिस उसे पकड़कर थाने ले आई। इस दौरान पुलिस स्टेशन परिसर में पीड़ित लड़की जमीन पर लेटी हुई दिखी और अपनी जान देने की बात कहने लगी।
पीड़ित लड़की ने आरोप लगाया कि एक साल पहले बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर और उसके साथियों ने उसका रेप किया, जिसके बाद लड़की ने बीजेपी के आरोपी विधायक और उसके साथियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। हालांकि पीड़ित लड़की का आरोप है कि पुलिस ने आरोपी विधायक के दबाव में कोई कार्रवाई नहीं की।